हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि 3 अंकों की गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट होते हैं वह 1 अंक की 2 अंक की गुणा तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें 3 अंकों की गुणा दी जाती है तो वह कई बार इन्हें गलत करते हैं या फिर इनमें वह कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको एकदम शानदार तरीके से सिखाऊंगा कि 3 अंकों की गुणा हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि 3 अंकों की गुणा हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 3 अंकों की गुणा के 2 सवाल कराने वाला हूं। देखिए, पहला सवाल है हमारा 4, 3, 2 को हमें मल्टीप्लाई करनी है 1, 2, 3 से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें केवल 3 नंबर हैं और दूसरे सवाल में ऊपर 4 नंबर हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल है हमारा 6, 2, 1, 3 को हमें मल्टीप्लाई करनी है 2, 5, 2 से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहले सवाल की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कैसे करेंगे। तो हमारा सवाल है वह 3 अंकों की गुणा का है और ऊपर भी 3 अंक है, तो हमें सबसे पहले वाले नंबर से इन तीनों नंबरों में मल्टीप्लाई करनी है, फिर दूसरे वाले से करेंगे और फिर लास्ट वाले नंबर से करेंगे और फिर इन्हें आपस में ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 3 के ऊपर गुणा करेंगे। देखिए, इस वाले नंबर की हम इन तीनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 3 में 2 की गुणा करेंगे, 3 × 3, 3 × 6, तो यह हो जाएगा हमारा 6, 6 × 6 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, तो 3 × 3 = 9, तो 9 आ जाएगा हमारा। अब देखिए, 3 के हम करेंगे 4 में, 3 × 6 = 12, तो 12 × 12 आ जाएगा क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमें करनी है 2 से मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड्स, जब भी हम आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जितने हम नंबर छोड़ते हैं उतने हम क्रॉस लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक क्रॉस लगा लिया क्योंकि फ्रेंड्स हमने 3 को छोड़ा है 1 नंबर, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे, यानी कि 1 क्रॉस। जब हम 2 नंबर को छोड़ेंगे तो 2 क्रॉस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 2 से गुणा करेंगे 2 में, 2 × 2 = 4 आ जाएगा हमारा 4। अब फ्रेंड्स देखिए, 2 की गुणा करेंगे 3 में, तो 3 × 3, 3 × 6, ये हो जाएगा 6, 6 × 6 लिखेंगे। अब 2 की गुणा करेंगे 4 में, तो 4 × 2 = 8, ये आ जाएगा हमारा 8। अब फ्रेंड देखिए, हमने 3 से और 2 से तो गुणा कर लिया, अब हमें गुणा करनी है 1 से। तो फ्रेंड्स, अब हम जितने नंबर छोड़ेंगे उतने ही क्रॉस लगा लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, हम यहाँ पर 2 नंबर छोड़ेंगे यानी कि 2 को और 3 को, इसलिए हम गुणा करने से पहले यहाँ पर 2 क्रॉस लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 2 × 2 तो 2 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे, 3 × 3 यानी कि 3 आ जाएगा। अब 4 से करेंगे तो 4 × 4 ही आ जाएगा। फ्रेंड देखिए, गुणा करते समय आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो नंबर लिखते हैं वह नंबर के नीचे नंबर होने चाहिए, तभी आप इन्हें आसानी से जोड़ सकेंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, आप इसका नंबर इसमें जोड़ देंगे और इसका नंबर इसमें, और तभी आपका आंसर गलत हो जाता है। अब फ्रेंड देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी इन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो गुणा का यही रूल होता है कि गुणा करने के बाद सबको ऐड किया जाए। अब देखिए, अब 6 है, 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसलिए 6 × 6 आ जाएगा। अब देखिए, अगला है हमारा 9 को हमें 4 में जोड़ना है, तो 9 और 4 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। अब हासिल लगेगा 1, तो 1 हासिल लगा देंगे, ये हो गया हमारा हासिल। अब देखिए, 2 और 1 हासिल का है, तो 3, 3 और 6 = 9, 9 और 2 9 × 2 = 11, तो 9 × 2 हो जाएगा हमारा 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 हासिल लगा लिया। अब देखिए, 1 और 1 = 2, 2 और 8 हो जाएगा हमारा 10, 10 और 3 हमारा हो जाएगा 13, तो 13 का 3 हासिल लगेगा 1। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर केवल 4 है और 1 हासिल है, तो हो जाएगा 4 और 1 = 5। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप किसी भी नंबर की गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी की तरह मैं दूसरे सवाल को भी हल करके दिखाता हूँ। देखिए, दूसरा सवाल है हमारा 6, 2, 1, 3 में हमें मल्टीप्लाई करनी है 2, 5, 2 से। तो फ्रेंड्स, इसे भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले सवाल को हल किया था। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी नंबर में। तो देखिए, गुणा करेंगे 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी कि 6 आ जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, 2 × 1 में करेंगे तो 2 × 2, अब 2 × 2 में करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 4 आ जाएगा। अब 2 × 6 में करेंगे, 6 × 6 = 12, 12 × 12 आ जाएगा क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अब फ्रेंड्स, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर ली है, अब हम करेंगे 5 से। तो 5 एक नंबर छोड़ा है हमने, तो 1 क्रॉस लगा लेंगे, जितने नंबर छोड़ते हैं उतने ही क्रॉस लगा लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए, 5 की गुणा ऊपर वाले नंबरों में करेंगे, तो 5 × 3 में करते हैं, 5 × 3 = 15, तो 15 × 5 और हासिल लग जाएगा 1। तो फ्रेंड देखिए, 1 हासिल हो गया हमारा। अब 5 × 1 में करेंगे, 5 × 5 = 5, 5 आया और 1 हासिल का है, तो यह हो जाएगा हमारा 6। जो फ्रेंड्स हमारा हासिल होता है वह हमारा जुड़ जाता है। अब फ्रेंड देखिए, 5 × 2 में करेंगे, तो 5 × 2 = 10, 10 की आ जाएगी 0 और 1 हासिल लग जाएगा ऊपर। अब फ्रेंड देखिए, 5 × 6 में करेंगे, तो 6 × 5 = 30 और 1 हासिल है, तो यह हो जाएगा हमारा 30 और 1 = 31, 31 × 31 आ जाएगा क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अब फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 नंबर छोड़ते हैं हमने,
इसलिए हम दो क्रॉस लगा लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी तो ये इतना आया था। जब हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, इसलिए हम ऊपर वाले नंबर को ही उतार देंगे। तो यह आ जाएगा हमारा 6 2 4 2 1। अब फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें आपस में ऐड करना है। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, ऐड करेंगे 6 का 6 आ जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। अब फ्रेंड देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे, 2 और 5 हो जाएगा हमारा 7 यानी कि 7। अब फ्रेंड देखिए 6 और 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 का 6 आज से लग जाएगा 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5 क्योंकि 0 तो कोई होता नहीं है इसलिए 5 ही आ जाएगा हमारा। अब देखिए अब 1 और 1 2, 2 और 4 6। अब देखिए अब 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5, अब 1 का 1 आ जाएगा क्योंकि 1 के आगे कोई संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपने इसे समझ लिया है तो आप 3 अंकों के अलावा कितने भी अंकों की गुणा आसानी से कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।